There is only 1 minute left for the evening. Okay. Good evening, all my students. Please don't mind my voice. Like, due to heavy cold and throat infection, my voice is like totally ruptured. But even though we have to take the class, the class must go on. So please, आपका साथ बहुत जरूरी है. मुझे बस कमेंट में ये बताना कि मेरी वॉइस आपको ठीक से सुनाई दे रही है या नहीं. ठीक है, सो जस्ट लेट मी नो इफ माई वॉइस इज ऑडिबल और नॉट. कमिंग टू वीडियो, आई हैव नॉट टर्न ऑन माई वीडियो. दैट इज बिकॉज आई हैव चेंज्ड माई लोकेशन. ओके, सो वेयर वाईफाई इज नॉट वेरी प्रोमिनेंट, दैट्स वाई आई एम यूजिंग एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इंटरनेट एंड इट इज वेरी फ्लक्चुएटिंग. आई डोंट वॉन्ट माई वॉइस टू ब्रेक इन दिस ब्रोकन वॉइस. ओके, सो दैट्स वाई आई हैव टर्न्ड ऑन माई सॉरी टर्न्ड ऑफ माई वीडियो ओनली फॉर टूडे. ओके, आई नो वेन वीडियो इज नॉट टर्न्ड ऑन क्लासेस टेन टू गेट बोर्ड, बट आई ट्राई माई बेस्ट. ओके, या गिव मी अ थम्स अप इफ दैट्स ओके. माई वॉइस इज ऑडिबल? ऑल राइट, यस रामनगर, ठीक है. तो हाँ बेटा, हम लोगों ने क्या किया था लास्ट क्लास में? हम लोगों ने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे कुछ सैटरडे को. एंड क्वेश्चन आंसर से हमने कॉन्सेप्ट्स को जाना था. ठीक है, जो बच्चे फ्राइडे की क्लास तक अटेंड कर रहे थे, जिन्होंने सैटरडे अटेंड नहीं किया, बेटा यू आर इन लॉस. ठीक है, आप लॉस में हो क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कंटिन्यू कर दिए थे. ओके, जैसे मैं बताती हूँ, हमको स्टार्ट करना था लॉस्ट हार्मोन. ओके, तो लास्ट हार्मोन एब्सिसिक एसिड को मैंने क्वेश्चन एंड आंसर्स में उसको डाल के मैंने कॉन्सेप्ट्स किए. उसके बाद मैंने प्लांट ग्रोथ के बारे में आपको बताया. फिर हम लोगों ने ग्राफ्स समझा, अरिथमेटिक ग्राफ एंड देन यू नो एक्सपोनेंशियल ग्राफ. तो दोनों के ग्रोथ रेट हमने अच्छे से समझ लिए, तो वहां तक खत्म हुआ था. इसके बाद हमको अगला वाला पार्ट स्टार्ट करना है. ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग जो डिफ्रेंसिएशन के डेफिनेशंस है, डी डिफ्रेंसिएशन, री डिफ्रेंसिएशन, वो जानेंगे. उसके अलावा बेटा हम यू नो आपके सिलेबस से तो रिमूव्ड है वो पार्ट, बट फिर भी मैंने उसको एक दो स्लाइड्स में रखा है. दैट इज फोटो यू नो फोटो पीरियडिज्म, वर्नलाइजेशन एंड सीड डॉर्मेंसी. क्योंकि आपको पता है ना, जो भी नीट ने चैप्टर्स को एलिमिनेट किया है उसको तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं, बट जो चैप्टर्स रखा है, जिसमें कुछ भी चैप्टर्स अगर डिलीटेड है, तो उसको हम लोग ना थोड़ा बहुत कर रहे हैं. क्योंकि उनका ना, या फिर डेफिनेशन में आ सकता है कोई ऑप्शन में. ओके, या फिर कहीं पे भी आपको ऑप्शन में अगर ऐसे वर्डिंग्स आ जाए तो आपको पता हो. बस इसका यू नो उद्देश्य है, बस और कुछ नहीं. ठीक है, तो विल स्टार्ट द क्लास अहेड. तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन बेस्ड ऑन द लास्ट क्लास. ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे नहीं थे, या फिर एक आईडी में बहुत सारे बच्चे होंगे क्लास में, मुझे नहीं पता. अभी आप आंसर करोगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ग्राफ ऑफ अर्थमैटिक ग्रोथ? ओके, आपको यहाँ पे अर्थमैटिक ग्रोथ का ग्राफ बताना है. ठीक है, ये नीचे वाला बी है, ये नीचे वाला बी है, ऊपर वाला ए है, सी डी. ओके, सो दिस इज बी. नाउ यू हैव टू टेल मी विच ग्राफ डू यू थिंक इज अ करेक्ट ग्राफ फॉर अर्थमैटिक ग्रोथ. हाँ भाई, जल्दी से बताइए. भावनगर, रामनगर, दोनों ने मेरी क्लास अटेंड की थी सैटरडे को. जी, नो नो आंसर्स. ओके, आई गॉट माई आंसर, वेरी गुड. जेनवी रामनगर, आप बिल्कुल सही हो. ठीक है, चलो देखते हैं. तो बेटा, आपको मैंने क्या बताया था, ग्रोथ रेट्स. ओके, ग्रोथ रेट किसको कहते हैं? इट इज द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम. मतलब कुछ टाइम में अगर प्लांट का या फिर प्लांट के अंदर जो सेल है उसका ग्रोथ होता है, तो उसको हम कहते हैं ग्रोथ रेट. ओके, ग्रोथ हमेशा टाइम के कंपैरिजन में ही होता है, वरना हमको पता कैसे चलेगा कि ग्रोथ हुआ है. मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देती हूँ.
आप ना एक मतलब एक बेबी को देखिए, आज आप देखिए उसको, वो बहुत छोटा सा होगा। आप 40 दिन के बाद उसको देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा, ठीक है? तो वो कैसे पता चला कि ग्रोथ हुआ है? ओके, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? हमको टाइम बताता है कि हाँ भाई, इस बच्चे के अंदर सेल्स मल्टीप्लाई हुए हैं, ठीक है, ज्यादा ग्रोथ हुई है। ये चीजें हमको टाइम से पता चलती हैं। तो बहुत कॉमन है, एनिमल्स में हो, प्लांट्स में हो, या कोई अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, इंक्रीज्ड ग्रोथ इंडिकेट्स ओके ओनली बाय द हेल्प ऑफ टाइम, ठीक है? देन द ग्रोथ रेट मे बी अर्थमैटिक और ज्योमेट्रिकल। तो अर्थमैटिक क्या है, मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था बेटा। जब माइटोसिस होता है, तो एक माइटोसिस से, जैसे समझ लो एक सेल है, तो एक सेल से दो सेल्स हमको मिले थे, टू डॉटर सेल्स। अमंग दीज टू डॉटर सेल्स, वन सेल वुड बिकम परमानेंट सेल। ओके, जिन बच्चों को परमानेंट सेल क्या है नहीं पता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मेरिस्टमैटिक सेल्स हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। ओके, दे गेट डिवाइडेड एंड अटेन अ परमानेंट फॉर्म, ठीक है? वो एक परमानेंट फॉर्म में आ जाते हैं। हम लोग परमानेंट सेल या फिर परमानेंट टिश्यू को आप कह सकते हो पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा, ये सारे परमानेंट है, ठीक है? तो अब क्या हो गया था, यहाँ पे एक मेरिस्टमैटिक सेल था। ओके, वो मेरिस्टमैटिक सेल से ये डिविजन हो रहे हैं। अब इन मेरिस्टमैटिक सेल से एक सेल परमानेंट सेल हो गया, बट दूसरी डॉटर सेल जो है, इसके अंदर मेरिस्टमैटिक सेल अभी भी मेरिस्टमैटिक एबिलिटी अभी भी रिटेन्ड है, तो ये फिर डिवाइड करेगा दो में। ओके, इन दोनों में अगेन जो एक होगा वो परमानेंट सेल होगा, दूसरा डॉटर सेल के अंदर अगेन मेरिस्टमैटिक एबिलिटी होगी। तो अब ये क्या करेगा, अब ये और दो करेगा, ठीक है? अब इनमें भी एक परमानेंट सेल होगा, दूसरा डॉटर सेल होगा मेरिस्टमैटिक एबिलिटी के साथ। तो ऐसे करते करते हमको क्या समझ में आ गया, व्हेन वी आर सीइंग अ माइटोटिक सेल डिवीजन, ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड। ओके, एक ही डॉटर सेल कंटिन्यू होती है डिवाइड करने के लिए, बट जो दूसरी डॉटर सेल है वो कंटिन्यू नहीं करती, इट बिकम्स अ परमानेंट, ठीक है? वो परमानेंट सेल बन जाती है। जब परमानेंट सेल बनती है, तो तब क्या होता है, इट हैज अ पर्टिकुलर फंक्शन टू परफॉर्म। देन उसके पास कोई फंक्शन होगा परफॉर्म करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर पैरेन्काइमा है तो वो क्या करेगा, स्टोरेज करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, सेक्रीशन करेगा, ठीक है? अगर कोलेनकाइमा है तो वो करेगा मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है? तो ऐसे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चला कि आफ्टर माइटोसिस वन सेल वुड बिकम परमानेंट, दूसरा सेल के पास मेरिस्टमैटिक एबिलिटी रिटेन होती है, एंड द प्रोसेस कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग, ठीक है? तो प्रोसेस कंटिन्यू होते जाता है। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, आपको इस चीज को समझने के बाद आप एक काम कीजिए, आपको क्या करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है, किसके अगेंस्ट क्या करना है। आपको यहाँ पे लेना है हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है? आप यहाँ पे देख लो, वाई एक्सिस में आपने लिया है हाइट ऑफ द प्लांट, एंड इन द एक्स एक्सिस आपने टाइम लिया है। तो दोनों के बीच में आप अगर ग्राफ इसका बनाते हो, तो आपको यहाँ पे लीनियर ग्राफ मिलता है, ठीक है? इट्स कॉल्ड लीनियर कर्व। ओके, तो लीनियर कर्व मिलता है। अब आप देखो जब लीनियर कर्व मिलता है, तो आपको इसका क्या इंडिकेशन है, आपको इसका क्या इंडिकेशन है, यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ओके, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये यूनिफॉर्म मेंटेन कर रहा है, एक परमानेंट सेल बन रहा है, दूसरा मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी को रिटेन कर रहा है। तो ऐसे करके आप देखो तो इट्स पर्टिकुलरली यूनिफॉर्म, ठीक है? यहाँ पे आप कोई भी वेरिएशन या फिर कुछ डिफरेंस नहीं देखोगे, तो ग्राफ भी बहुत लीनियर है, ठीक है? तो अब आप इस ग्राफ को अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहो, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पहले आप देखोगे लेंथ। ओके, तो जो कुछ भी मतलब हाइट है प्लांट का, तो उसका लेंथ को आप इनिशियल को आप एल नॉट ले लोगे, ठीक है? यू विल टेक एज एल नॉट, इनिशियल है। उसके बाद आप देखोगे फाइनल। ओके, फाइनल कैसे मैम, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपने कुछ टाइम तक उसको अलो किया था ना, ओके, ग्रो करने के लिए। मैंने आपको बताया था ग्रोथ इंडिकेट करता है सिर्फ टाइम के साथ, तो कुछ टाइम आप छोड़ दिए उसको ग्रो करने के लिए, तो आपको क्या मिला, फाइनल हाइट, ठीक है? तो उसको आपने LT ले लिया। ओके, सो दैट इज लेंथ, फाइनल लेंथ LT है, इनिशियल वाला L0 है, ठीक है? तो अब आप इसको यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है? तो फाइनल लेंथ कितना है, ओके, हाइट ऑफ द प्लांट, दैट इज LT इज इक्वल टू L0। L0 पहले इनिशियल लिख लो, उसके बाद आप लिख सकते हो प्लस RT, ठीक है? टाइम तो हमको पता है, ओके, टी इज टाइम, वी नो दैट।
सो यू माइट बी वंडरिंग मैम व्हाट इज आर। ओके, तो बेटा आर को हम कहते हैं ग्रोथ रेट। ओके, आर ग्रोथ रेट है या फिर एलोंगेशन पर यूनिट टाइम। ओके, तो इसको आपकी एनसीईआरटी ने एफिशिएंसी इंडेक्स भी कहा है। ठीक है, जो आर है उसको एफिशिएंसी इंडेक्स भी कहा है, उसको हम लोग अभी आगे पढ़ते हैं, बट ये आपको समझ में आ गया होगा। अर्थमैटिक मतलब यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होता है, आपको कर्व आता है लीनियर। ओके, जब भी एक मेरिस्टमैटिक सेल ग्रो करता है तो एक परमानेंट सेल बनता है दूसरा। ओके, मेरिस्टमैटिक एबिलिटी को रिटेन करता है और वहां से फिर दो डॉटर सेल्स बनेंगे एंड दिस कीप ऑन कंटिन्यूस। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया आप सब लोगों को। ये एक्चुअली मैंने लास्ट क्लास में किया है, इसीलिए मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं किया, बट आपके जो स्ट्रेंथ में देख रही हूँ तो बहुत सारे लोग आप नहीं थे, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स में डाल के आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है। जैसे रामनगर ने आंसर किया, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एज यू कैन सी लाइन इज अ लीनियर कर्व। ठीक है, लीनियर कर्व है। अब ये एक टाइप का ग्राफ हो गया। अब अभी दूसरे टाइप का ग्राफ का क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ। ठीक है, सो हियर यू कैन सी द ग्राफ गिवन बिलो शोज अ ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट। ठीक है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट लिखा है, आप चार्ट देख सकते हो। ओके, हियर दे हैव रिटन साइज और वेट ऑफ द ऑर्गन इन द वाई एक्सिस एंड टाइम इन द एक्स एक्सिस एंड देर इज अ सिग्मोइड कर्व। ओके, इस टाइप के कर्व को हम कहते हैं सिग्मोइड कर्व और एस शेप्ड कर्व। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अबव ग्राफ इज इनकरेक्ट। आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ठीक है, मैं आपको ऑप्शंस बताती हूँ। द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो, देयर आफ्टर एक्सपोनेंशियल फेज एंड देन स्टेशनरी फेज, दैट इज करेक्ट। ठीक है, आप अगर ये ग्राफ देखते हो तो जो फर्स्ट फेज है उसको हम कहते हैं बेटा लैग फेज। ओके, लैग फेज कहते हैं क्यों, क्योंकि आप कोई भी एक सेल को मीडियम में, ओके, न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करने के लिए छोड़ते हो तो वो टाइम लेता है। ओके, इट हैज टू अंडरस्टैंड कि उसके एटमॉस्फेयर में कौन सा न्यूट्रिएंट है। ओके, वो टाइम लेता है कि एब्जॉर्ब करे और फिर ग्रो करे, तो वो थोड़ा डिले होता है, उस डिलेड फेज को हम कहते हैं लैग फेज। अब समझ में आ गया सेल्स को, हाँ भाई अच्छा खासा न्यूट्रिशन है हमारे पास, हम क्या करेंगे अब अच्छा डिवाइड करेंगे, अच्छा ग्रो करेंगे। तो अब क्या होता है, ये स्पीड अप हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एंड इंक्रीज हो जाने के बाद यहाँ पे आप देखो कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। ठीक है, तो स्पीड अप प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेज या फिर लॉग फेज। मैंने आपको ये लास्ट क्लास में भी समझाया था। ठीक है, इसको हम कहते हैं लॉग फेज। तो लॉग फेज हो जाने के बाद, ओके, लॉग फेज हो जाने के बाद कहीं तो जाके आप देखोगे कि न्यूट्रिशन कम मिलेगा। ओके, न्यूट्रिशन कम मिलेगा तो तब क्या होगा, जो एकदम से फास्ट ग्रोथ कर रहे थे वो जाके थोड़ा स्टैगनेंट हो जाते हैं, थोड़ा रुक जाता है वहां पे ग्रोथ, तो उसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। ठीक है, उसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। और स्टेशनरी फेज कब अटेन होता है, ओनली व्हेन देयर इज अ स्केर्सिटी ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन का स्केर्सिटी होना चाहिए या फिर उस सेल का ग्रोथ इनफ होना चाहिए। ठीक है, तब जाके स्टेशनरी फेज आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो अब आप ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे इनिशियल ग्रोथ इज स्लो डेफिनेटली क्योंकि लैग होता है फेज, देयर आफ्टर एक्सपोनेंशियल फेज एंड देन स्टेशनरी फेज। हाँ, ये तो करेक्ट ऑप्शन है, बट वी हैव टू सर्च फॉर इनकरेक्ट। द सिग्मोइड कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग विद अ नेचुरल एनवायरमेंट। यस, डेफिनेटली। तो जो हम जियोग्राफिक, यू नो सॉरी, जियोमेट्रिक जो ग्रोथ रेट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो कर्व पढ़ रहे हैं, ये किसको इंडिकेट करता है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो मैंने बस आपको एक एग्जांपल दिया था कि ये, हाँ भाई न्यूट्रिय मीडियम दिया है आपने ग्रो करने के लिए, बट ये नेचुरली भी तो होता है ना, दिस हैपन्स नेचुरली। क्यों, आप देख सकते हो प्लांट में बेटा वही फोटोसिंथेसिस करता है, वहीं पे रेस्पिरेशन भी होता है। ठीक है, फूड बनता भी है, फिर फूड ना कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन के एटीपी के फॉर्म में बदल के एनर्जी को यूज अप करता है सारे मेटाबॉलिकल प्रोसेसेस में एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में। ठीक है, तो वहां पे ही होता ही साइमल्टेनियसली सेल भी ग्रो करता है। ठीक है, जब सेल ग्रो करता है तो वो एनर्जी को यूटिलाइज करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो नेचुरली, अब नेचुरली हर टाइप के सेल में, ठीक है, हर टाइप का सेल हो, टिश्यू हो, कोई भी ऑर्गन हो प्लांट का, तो आपको ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट ही दिखता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट ही वहां पे आपको दिखता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। देन अब ये तो करेक्ट हो गया हमारा पॉइंट, अ सिग्मोइड कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन अ नेचुरल एनवायरमेंट, ये करेक्ट है ना।
With limited nutrient supply, the growth rate increases rapidly, leading to an exponential phase. आपको क्या लगता है ये सही है? यस रामनगर बेटा, अगर हमने लिमिटेड सप्लाई दिया है न्यूट्रिएंट का तो एक्सपोनेंशियल, हाँ थोड़े टाइम तक तो ये रैपिडली लीड करेगा, उसके बाद ये बहुत जल्दी स्टेशनरी फेज में आ जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा इंक्रीज होता होगा जब तक न्यूट्रिएंट है, उसके बाद तो ये रुक जाता है. तो इसीलिए विथ लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई द ग्रोथ रेट यू नो डजंट इंक्रीज सो मच रैपिडली इन द एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है? तो इतना जल्दी भी वो नहीं होता. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनकरेक्ट है जो आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है? कमिंग टू ज्योमेट्रिक ग्रोथ इज टिपिकल फॉर ऑल सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट. मैंने अभी भी आपको बताया ये पॉइंट भी करेक्ट है, ठीक है बेटा? ये सब हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में, क्योंकि मैंने बताया सिर्फ उज्जैन वी रामनगर था, आप लोग कोई नहीं थे, तो ये रिपीट हो रहा है, ठीक है? चलो अब हम बेटा देखते हैं ग्रोथ रेट का नेक्स्ट पार्ट में, जो है ओके कंपैरिजन. तो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी ने दी है दो पत्ते और आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना है. सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, दे हैव गिवन ए एंड बी. ओके, एक ए लीफ है, एक बी लीफ है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो, इट इज अ डायमेट्रिक डायमेट्रिक कंपैरिजन ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट, वेयर बोथ लीव्स ए एंड बी हैव इंक्रीज्ड बाय देयर एरिया बाय 5 सेंटीमीटर्स इन अ गिवन टाइम टू प्रोड्यूस A1 प्लस B1 लीव्स. मतलब इसका इनिशियल साइज कुछ था, अब ये डिफरेंट होके कुछ अलग बना है ना, कुछ अलग बना है. तो इनिशियल वाले को हम सिर्फ अल्फाबेट से कंपैरिजन में देख रहे हैं. ओके, जैसे ए, ओके ए है या फिर बी है. अब देख लो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, ये इनिशियल है. ओके, दिस इज अ इनिशियल. सो यहाँ पे आप A1 B1 आप देखते हो तो ये होगा फाइनल. ओके, ये होगा फाइनल ग्रोथ. ओके, पर यूनिट टाइम. तो अब आप यहाँ पे क्या देखते हो, मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसी इंडेक्स है ना, वेर आर इज एफिशिएंसी इंडेक्स. तो यहाँ पे आप देखो दैट आर, ओके, रिलेटिव ग्रोथ रेट जो हमने देखा था मैथमेटिक यू नो एक्सप्रेशंस में. ओके, ये जो एक्सपोनेंशियल होगा यू नो ज्योमेट्रिक हो अर्थमेटिक हो, वहां पे आपने दोनों में देखा कि आर था, दैट इज रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है? तो उसको हम, मैंने कहा था एफिशिएंसी इंडेक्स. तो यहाँ पे क्या लिखा, इट इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू प्रोड्यूस न्यू मटेरियल. मतलब प्लांट की एक एबिलिटी होती है कि वो नई चीजें बनाए, ठीक है? सो दैट इज ग्रोथ रेट, इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी इंडेक्स, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनल साइज W1 डिपेंड्स ऑन द इनिशियल साइज W0. ये किसकी बात हो रही है, ज्योमेट्रिक की, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको ये समझाया था, ये देखिए इसकी बात हो रही है, ठीक है? इसकी बात हो रही है. अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक में क्या देखा था आपने, सिग्मोइड कर्व है. हाँ, डेफिनेटली सिग्मोइड कर्व है. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में इट हैज एक्सप्रेस्ड, ओके, कैसे एक्सप्रेस हुआ है, W1 W0. 1 इज अ फाइनल साइज, ओके, W0 या फिर W0 जो है वो इनिशियल साइज है. तो R ग्रोथ रेट है हमारा एंड T इज द टाइम ऑफ द ग्रोथ. तो ई तो आप सबको पता है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम. तो यहाँ पे उसी आर की बात हो रही है. ओके, जिस आर की बात मैं कर रही हूँ ना, वो कौन सा आर है, यही है, ठीक है? सो दिस इज एफिशिएंसी इंडेक्स. ऑलराइट, चलो तो अब हम देखते हैं क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ, ठीक है? यहाँ पे क्वांटिटेटिव कंपैरिजन हो रहा है. तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, ओके, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट, आपकी टेक्स्ट बुक ने लिखा है दो टर्मिनोलॉजीज. बेटा अब ज्यादा इसमें दिमाग मत खराब करो, जो मैं बोल रही हूँ वो जानो, उतना सुनो उतना काफी है, ठीक है? मैं आपको बताती हूँ एब्सोल्यूट क्या है. आप वर्ड के मीनिंग में देखो बेटा, एब्सोल्यूट मतलब डिफाइंड, ओके, एग्जैक्ट होता है. जैसे मैं बताऊ, ये होता है ना बेटा, इसमें कोई आप वेरिएशंस नहीं देख सकते एब्सोल्यूट में. ओके, देर आर नो वेरिएशंस, इट इज पिच परफेक्ट. ओके, ये एकदम कंपैरिजन में नहीं आता, ऐसा कुछ है, ठीक है? चलो तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में आप क्या देख सकते हो, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम. ये आपकी डेफिनेशन में दिया है एंड आपकी एनसीईआरटी ने दिया है, बट मैं जो बोल रही हूँ आप वो सुनिए. एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इज द टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम. मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, ठीक है? तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या है, टोटल ग्रोथ है यूनिट टाइम में. कुछ टाइम दिया है आपने ग्रोथ करने के लिए, ठीक है? तो आप इस रिप्रेजेंटेशन में क्या देख सकते हो, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट फॉर बोथ लीव्स
इज 5 स्क्वायर सेंटीमीटर्स पर टाइम. आप अगर ए ले लो बी ले लो तो दोनों में आपको क्या होगा, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 10 हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा है, यहाँ पे 50 था, 55 हुआ, तो ये एब्सोल्यूट है, ठीक है, दिस इज एब्सोल्यूट. मतलब आप अगर इसको ना कंपैरिजन में पढ़ो तो आपको क्या दिख रहा है, हाँ भाई 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, दिस इज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव रिलेटिव ग्रोथ रेट, तो यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा कि हाँ भाई इनिशियली ये कितना था, ये कैसे हो रहा है, ठीक है. रिलेटिव इज ऑलवेज अ कंपैरेटिव स्टडी, ओके. रिलेटिव हमेशा कंपैरेटिव स्टडी करती है. एब्सोल्यूट में क्या है, हाँ भाई यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, खत्म खिस्सा, ठीक है. तो अब रिलेटिव को मैं आपको बताती हूँ. रिलेटिव इज द रेट ऑफ ग्रोथ विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल साइज, ठीक है. ये भी रेट ऑफ ग्रोथ की ही बात कर रहा है, बट यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल साइज हमको दिमाग में रखना है, ठीक है. जैसे मैं बताती हूँ, यहाँ पे ए का जो सरफेस एरिया है वो 100% से बड़ा है. मैं आपको बस समझाने के लिए बोल रही हूँ, जो ए का है सरफेस एरिया दैट हैज इंक्रीज्ड बाई 100%, ओके. वेर एज बी का जो सरफेस एरिया है इट हैज इंक्रीज्ड ओनली बाई 10%. सो दिस इज रिलेटिव स्टडी. अब आप मुझे पूछोगे, मैम आपको कैसे पता चला कि ए 100% हुआ है, बी 10% हुआ है? देखो बेटा, आप लीफ को देखो, आप लीफ को देखो, आपको अब लीफ को देखोगे तो इनिशियल से कितना बड़ा हुआ है ना, इट हैज गॉन वेरी वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, ठीक है. तो आप बी में देख लो, बस थोड़ा सा ही अपना इंक्रीज हुआ है इसका साइज, ठीक है. जितना उसका इनिशियल साइज था उसके कंपैरिजन में देखो तो एकदम वो 100% नहीं हुआ है, ठीक है. तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है. सो प्लीज टेक डाउन दिस डेफिनेशन, आपको याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है. एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो होगा ना आपकी एनसीईआरटी में, उसके सामने आप लिखो द टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, ठीक है. टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. रिलेटिव के लिए तुम लिखो टोटल रेट ऑफ ग्रोथ विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल साइज, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल साइज, ठीक है. बस इतना आप याद रखो तो आपको दोनों में फर्क मिल जाएगा, ठीक है. चलो, सो दैट्स ऑल बेटा, इसमें और कुछ इतना जानने की नीड नहीं है, आप इतना जान लो तो ये काफी होगा, ठीक है. चलो, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कंडीशंस, सम ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ, ओके. ग्रोथ के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, वो क्या है देखते हैं हम लोग. एक होता है वाटर, दूसरा ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर, लाइट, ग्रेविटी. बेटा मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, देर आर सम यू नो प्लांट को ग्रोथ करने के लिए एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी होते हैं. आई होप यू रिमेम्बर दैट, ठीक है. तो उसको भी थोड़ा दिमाग में रख के यहाँ पे हम चलते हैं, ओके. सो वाटर, व्हाई वाटर इज नीडेड फॉर सेल एनलार्जमेंट, टर्जिडिटी ऑफ सेल्स हेल्प इन एक्सटेंशन ऑफ ग्रोथ, वाटर प्रोवाइड्स मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी नीडेड फॉर ग्रोथ. अब सबसे पहले आप मुझे बताओ व्हाट इज टर्जिडिटी. एज आई हैव टोल्ड यू बेटा, आज नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है तो इसलिए मैंने वीडियो ऑन नहीं किया, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू बाय माई हैंड जेस्टर्स टर्जिडिटी का मैं समझाती, बट यहाँ पे आप देखिए, ओके. सो टर्जिडिटी मीन्स स्वेल्ड अप. एक सेल है, ठीक है, जस्ट इमेजिन देर इज अ सेल, उस सेल को आपने पानी में डाल दिया, के पानी में डाल दिया. अब क्या करेगा, वो सेल पानी को एब्जॉर्ब करेगा एंड वो स्वेल अप हो जाएगा. जब वो स्वेल होगा तो सेल के जो मेम्ब्रेन है, सेल का जो मेम्ब्रेन है वो टाइट हो जाएगा, मतलब ऐसे श्रंक नहीं रहेगा, टाइट रहेगा, ठीक है. सो दैट सेल विल बी अटेंड अ टर्जिड, उसको हम कहते हैं टर्जिडिटी, ठीक है. जैसे मैं बताती हूँ अभी यहाँ पे आपको, मतलब सेल नॉर्मली ऐसा था, समझो आप थोड़ा ऐसा श्रंकन था, तो अब ये नॉर्मली ऐसे हो गया. सो दिस इज टर्जिड सेल, ठीक है, स्वेल अप हो गया है वाटर को एब्जॉर्ब करके, समझो. तो इसी तरीके से जब प्लांट में वाटर ज्यादा है तो तब क्या होगा, सेल्स जो है वो वाटर को ज्यादा रिटेन करेंगे, टर्जिडिटी वहां पे अच्छी होगी. जब पानी होगा सेल्स में तब एंजाइमेटिक एक्टिविटीज भी बहुत अच्छे से होंगे सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है. यू नो दैट प्लांट में आप देखोगे बेटा 90% तो वाटर ही है ना, तो वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है सारे मेटाबॉलिज्म के लिए, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए, एंड देन एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए, ठीक है. तो वाटर इज डेफिनेटली नीडेड. कमिंग टू ऑक्सीजन, इट हेल्प्स टू रिलीज मेटाबॉलिक एनर्जी फॉर ग्रोथ, ठीक है. इट हेल्प्स टू रिलीज मेटाबॉलिक एनर्जी फॉर ग्रोथ, वी ऑल नो दैट, ठीक
ठीक है बेटा, आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, रेस्पिरेशन पढ़ा है, ठीक है, आप मुझे बताओ ऑक्सीजन का क्या रोल है। ओके, जिन बच्चों ने रेस्पिरेशन पढ़ा है वहां पे तो आपने पढ़ा होगा। ओके, ऑक्सीजन प्लेस अ वेरी की रोल। अगर प्लांट के लिए ऑक्सीजन नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में, बोथ इन द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, देन लेट मी आस्क यू वन थिंग, आपको समझ में आ रहा है ना जो मैं पढ़ा रही हूँ? प्लीज चेंज योर नेम बेटा, यहाँ पे जो 11th साइंस है, यू प्लीज चेंज योर नेम टू यू नो आइदर जेएनवी का नेम और योर पर्सनल नेम। सेम गोज फॉर अवंती फिलोस, इज दैट अ स्टाफ और स्टूडेंट? आई एम नॉट श्योर, बट आई वॉन्ट एवरी वन टू हैव देयर नेम्स, ताकि मुझे पता चले कौन आया है क्लास में कौन नहीं। यस आदित्य मकवाना, यू हैव रेज्ड हैंड। बेटा यहां तक कुछ डाउट है आपको? एनी डाउट्स यू हैव? नो डाउट्स? कुछ भी है बेटा, चैट सेक्शन इज ओपन, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ठीक है, ऑल राइट, तो हम लोग चलते हैं। ओके, सो अवंती फिलोज इज अ स्टूडेंट देन? प्लीज यू कैन रीनेम योर सेल्फ सो दैट आई कम टू नो हु इज दिस। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिएंट्स नाउ। तो मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स आर नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जेएनवी बल्लारी स्टूडेंट्स। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट बेटा। चलो, तो मैं आपको बता रही थी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, है ना? तो साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, ठीक है, अगर सेल है। ओके, अगर सेल है तो सेल में आप क्या लिखोगे? सेल इज इक्वल टू, ओके, सो साइटोप्लाज्म। बेटा मेरा जो राइटिंग टैब है वो खराब हो गया है, आई हैव ऑर्डर इट, आएगा। ओके, आज नहीं तो कल तो बिल्कुल आ जाएगा, प्लीज हैव सम पेशेंस। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस। ओके, सेल इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, आप साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन एंड देन न्यूक्लियस को हटा देते हो। ठीक है, मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस को हटा देते हो, वो आपका साइटोप्लाज्म है। बट आप प्रोटोप्लाज्म कहते हो तो क्या होगा बेटा? प्रोटोप्लाज्म में आप देखोगे न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दोनों मिलके होंगे। मैं इसी को बना देती हूँ, रुको, ये प्रोटोप्लाज्म हो गया, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी होगा एंड न्यूक्लियस भी होगा, ये दोनों मिला के प्रोटोप्लाज्म बनते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी समझाया है। ऑल राइट, लेट मी टेल यू अगेन, साइटोप्लाज्म मीन्स सेल माइनस न्यूक्लियस माइनस सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन को हटाओ, न्यूक्लियस को हटाओ, जो मिलता है वो साइटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म बेटा आप देखो, साइटोसोल जो है उसके साथ साथ न्यूक्लियस को मिलाओ, माइनस सेल वॉल करो। ठीक है, माइनस सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू मेनी ईयर टाइम्स, फिर भी मैंने रिपीट कर लिया। चलो, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या है? प्लांट्स हैव एन ऑप्टिमम टेम्परेचर एट विच ग्रोथ रेट इज मैक्सिमम। बेटा टेम्परेचर हो, पीएच हो, हमारा जो ग्रोथ होता है प्लांट का वो उसका एक रेट होता है बेटा। जैसे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है, मैं आपको बताती हूँ, 40 डिग्री टेम्परेचर। तो 40 डिग्री इज ऑप्टिमम। अगर 40 डिग्री से ऊपर चला गया तो प्लांट्स विल गेट डैमेज्ड। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट सर्टेन एरियाज, के सर्टेन एरियाज। अब जब डेजर्ट में जाओगे तो डेजर्ट में तो जीरो फाइटिक प्लांट्स होंगे, वहां पे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो सकता है एंड वहां के प्लांट्स को उसकी अडेप्टेबिलिटी होती है। ओके, सो ऑलवेज ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स कंपेयर्स विद द विच एरिया का प्लांट की बात हो रही है, ठीक है, उसके रिलेटिवली ही बात होती है। तो टेम्परेचर आप हमेशा याद रखो, ऑप्टिमम टेम्परेचर जहाँ पे होता है ना वहां पे ग्रोथ मैक्सिमम होता है। अगर ऑप्टिमम से नीचे है या ऊपर है तो प्लांट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। ठीक है, सर्वाइव करना बहुत डेट्रीमेंटल, मतलब इट इज डेंजरस। ओके, डेंजरस हो जाता है। देन कमिंग टू लाइट एंड ग्रेविटी, तो दीज लाइट एंड ग्रेविटी इफेक्ट द सर्टेन फेजेस एंड स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। मैंने आपको बताया था
लाइट तो बेटा फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट को जब प्लांट पैदा हुआ प्लांट के मरने तक जरूरी है कि लाइट हो, बट ग्रेविटी मैंने आपको बताया था बेटा जब सीड जर्मिनेट होता है देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ प्लिम्यूल एंड रेडिकल, प्लिम्यूल शूट सिस्टम देता है ओके एंड देन रेडिकल रूट सिस्टम देता है, तो प्लिम्यूल क्या करेगा इट विल गो ऑपोजिट टू द ग्रेविटी ओके, शूट सिस्टम ग्रेविटी के ऑपोजिट जाता है, वेर एज रूट सिस्टम इट गोज टूवर्ड्स द ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी का भी बहुत ज्यादा रोल है जब एक सीड जर्मिनेट होके प्लांट में कन्वर्ट होता है तो। ठीक है, सो दैट्स ऑल। नाउ कमिंग टू डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, इन स्लाइड्स में जाने से पहले मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन क्या है, एक मेरिस्टमैटिक सेल है ओके, मेरिस्टमैटिक सेल है, इट गेट ट्रांसफर्ड इनटू परमानेंट सेल। ठीक है, मेरिस्टमैटिक सेल से परमानेंट सेल हो रहा है, तो मेरिस्टमैटिक क्या है, मेरिस्टमैटिक सेल्स आर दो सेल्स विच हैज द एबिलिटी टू डिवाइड। अब ये डिवाइड करेगा तो मैम कैसे डिवाइड करेगा, बेटा हमने फेजेस पढ़े थे आपको याद है, फेजेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, मेरिस्टमैटिक फेज, एलोंगेशन फेज, मेच्यूरेशन फेज, तो उन फेजेस में पार होके ये बनता है परमानेंट सेल। तो परमानेंट में वो समझ लो पैरेन्केमा हो गया, कोलेनकेमा, स्क्लेरेनकेमा, वो बनता है। तो अब जब ये परमानेंट सेल बनता है तो उसके पास कोई फंक्शन होगा परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, वो कहाँ पे है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर पित्त का सेल है तो कुछ नहीं करना होता पैरेन्केमा को, अगर वही पैरेन्केमा लीफ में है तो फोटोसिंथेसिस बहुत प्रोमिनेंटली करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो किस लोकेशन में है, किस टाइप का सेल है उसमें डिपेंड करता है। अब डी डिफरेंशिएशन क्या है, अब ये जो परमानेंट सेल बना है ना, अब ये जो परमानेंट सेल बना है समझ लो यहाँ पे कुछ कटिंग हो गई या कुछ ऊंड हो गया, कुछ जख्म हो गया प्लांट को। ठीक है, कुछ मैकेनिकल स्ट्रेस आ गया तो कोई डाली जो होती है ना ब्रांच प्लांट की वो टूट गई, अब यहाँ पे ग्रो करना है, तो वहां के जो परमानेंट सेल्स है ना दे रिटेन ओके, दे रिटेन द एबिलिटी टू अगेन ग्रो। ठीक है, परमानेंट सेल्स के पास बेटा एबिलिटी नहीं होती है डिवीजन की। ठीक है, तो इसीलिए समझ लो कई स्टेजेस में, कई केसेस में जो परमानेंट सेल्स हैं उनको बनना होता है मजबूरन हालत पे मेरिस्टमैटिक, क्यों, क्योंकि वहां पे ग्रोथ करना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो परमानेंट सेल्स बने हैं जैसे पैरेन्केमा, कोलेनकेमा, स्क्लेरेनकेमा, ये सेल्स वापस से कन्वर्ट हो जाएंगे मेरिस्टमैटिक में, क्यों, क्योंकि वहां पे कंटिन्यूअसली डिवीजन की जरूरत है। ठीक है, जैसे बेटा मैं सिंपल भाषा में समझाती हूँ, ठीक है, आपने कोई एक डाली तोड़ दी ओके, एक ब्रांच है एक प्लांट का, ठीक है, तो आपने उसको ब्रांच को तोड़ दिया, अब जहां पे तोड़ते हो ना वहां पे आप देखोगे कि बड निकलेंगे ओके, एक्सेसरी बड्स निकलेंगे, लैटरल बड निकलेंगे, एपिकल बड निकलेगा, बड निकला है जहां पे आपने काटा था, तो क्या हुआ वहां पे परमानेंट सेल्स थे, उन्होंने अभी डिवाइड करने की एबिलिटी को गेन किया, तो इसको हम कहते हैं डी डिफ्रेंसिएशन। अब जहां कहीं पे भी मेरिस्टमैटिक सेल्स हैं, जैसे आप समझ लो इस मेरिस्टमैटिक की बात हो रही है, इस मेरिस्टमैटिक की बात हो रही है, ये कब तक मेरिस्टमैटिक रहेगा बेटा, इसको कभी ना कभी तो परमानेंट सेल बनना है ओके, कभी ना कभी तो इसको परमानेंट सेल बनना है, तो अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, अब ये जो मेरिस्टमैटिक सेल है, अब ये जो मेरिस्टमैटिक सेल है ये वापिस से परमानेंट सेल बनेगा ओके, वापिस से परमानेंट सेल बनेगा, इसको हम कहते हैं रीडिफ्रेंसिएशन। ठीक है, आपको मैं एग्जाम्पल दूंगी तो समझ में आएगा। अब यहाँ पे मेरिस्टमैटिक सेल्स है प्राइमरी, यहाँ पे जो मेरिस्टमैटिक सेल से जो परमानेंट सेल बन रहा है इन द डिफरेंशिएशन, यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले लो प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, ये कब होता है, सेकेंडरी ग्रोथ से पहले ओके, सेकेंडरी ग्रोथ से पहले मतलब जब नॉर्मली प्लांट जुवेनाइल स्टेज में होता है, वेजिटेटिव स्टेट में होता है, ग्रोथ फेज में, तब वो मेरिस्टमैटिक से परमानेंट बनता है, उसमें प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम होता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया वहां पे, मतलब कहीं तो प्लांट में होता है सेकेंडरी ग्रोथ, आपको पता है ना सेकेंडरी ग्रोथ हमने पढ़ा है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वहां पे क्या होगा, वैस्कुलर बंडल्स के बीच में होता है केम्बियम, तो केम्बियम क्या करेगा, इट यू नो इट रीगेन्स द एबिलिटी टू डिवाइड। तो वहां पे आप दो टाइप के केम्बियम रिंग देखते हो, एक वैस्कुलर केम्बियम रिंग, दूसरा आप देखोगे जो सबसे बाहर होता है कॉर्क केम्बियम
ओके, बाहर वाला केम्बियम एंड देन वैस्कुलर केम्बियम. तो वो केम्बियम क्या करेगा, अगेन इट डिवाइड्स बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड टू फॉर्म द मेरिस्टमैटिक सेल्स. अब वो डिवाइड करते जाएंगे, तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं डी डिफ्रेंसिएशन. ठीक है, तो डी डिफ्रेंसिएशन से क्या हुआ, जो परमानेंट सेल्स थे दे अटेन द एबिलिटी टू डिवाइड. अब ये जो इनके पास एबिलिटी बनी है, अब जिसे समझ लो वैस्कुलर केम्बियम है, यहाँ पे इनके पास अभी एबिलिटी है डिवाइड करने की. अभी डिवाइड करने के बाद ये क्या देंगे बेटा, ये परमानेंट सेल्स को हम कहेंगे सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम. क्यों? क्योंकि ये लोग जो है सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, ये सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बने हैं. ठीक है, बस ये आपको एग्जाम्पल था समझाने का. तो याद रखो, डिफ्रेंसिएशन मेरिस्टमैटिक टू परमानेंट सेल. ओके, डी डिफ्रेंसिएशन परमानेंट सेल टू मेरिस्टमैटिक एबिलिटी को रिटेन करना. रीडिफ्रेंसिएशन, जो मेरिस्टमैटिक एबिलिटी रिटेन हुई है उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, उसको परमानेंट करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि वो मेरिस्टमैटिक है तो सिर्फ ग्रो करेगा. प्लांट का मकसद सिर्फ ग्रो करना नहीं है, अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो वो फंक्शंस परफॉर्म करना भी होता है. जो मेरिस्टमैटिक एबिलिटी अब रिटेन हुई है उसको वापस से हमको कन्वर्ट करना है परमानेंट सेल में. ठीक है, तो ये होता है रीडिफ्रेंसिएशन में. ठीक है, तो आई होप आई हैव मेड दिस वेरी क्लियर. अब आप ये डेफिनेशंस पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो डिफ्रेंसिएशन क्या है, यहाँ पे द मेरिस्टम सेल्स एंड केम्बियम सेल्स डिफ्रेंशिएट एंड मेच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. मैंने बोला ना, सेम मेरिस्टम से ये बन जाते हैं यू नो परमानेंट सेल्स. ठीक है, तो मेरिस्टम कहाँ पे होते हैं, मैंने आपको बोला था रूट अपिक्स शूट अपिक्स, तो वहां पे होते हैं. क्यों? क्योंकि बेटा उनको ग्रो करना होता है ना, उनको ग्रो करना होता है. तो आप जब ये मेच्योर हो जाते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, तो तब इन परमानेंट सेल्स को होता है कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, चलो. इन दिस सेल वॉल्स एंड प्रोटोप्लाज्म अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंजेस, कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन इज लॉस्ट. मैंने बोला ना, मेरिस्टमैटिक में सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है, बट परमानेंट सेल में सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती. ठीक है, सो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म टू फॉर्म ट्रेकेरी एलिमेंट. दे ऑल्सो डेवलप वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक लिग्नोसेल्युलोसिक सेकेंडरी सेल वॉल्स टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंसेस अंडर एक्सट्रीम टेंशन. बेटा आपके सिलेबस में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स करके एक चैप्टर है, उसको निकाल दिया है आपके सिलेबस ने, मतलब जो नीट का सिलेबस है उसमें निकाला है, अदरवाइज आप ये पढ़ते थे. ठीक है, वहां पे आप देखोगे कि जाइलम में कैसे वाटर कंडक्शन होता है, फ्लोएम में कैसे फूड कंडक्शन होता है. मतलब इतने लंबे लंबे प्लांट्स हैं, नियरली कुछ यू नो जो सबसे बड़ा प्लांट है ना सिकोवा, ओके, कितना लंबा है, कितना लंबा प्लांट है. तो वाटर रूट से उतने लंबे प्लांट तक कंडक्शन करना है, तो वहां पे बहुत ज्यादा यू नो सेल्स को स्ट्रांग होना पड़ता है, जाइलम सेल्स को स्ट्रांग होना पड़ता है. वहां पे सक्शन फोर्स लगता है, उसके सेल्स के जो सेल वॉल है उनमें बहुत ज्यादा डिपोजिशन होनी चाहिए लिग्निन की, ताकि उतने यू नो मैकेनिकल सपोर्ट को यू नो मेंटेन करके रखे. अब जितना लंबा होगा बेटा प्लांट, उतना एबायोटिक स्ट्रेस ज्यादा रहेगा. समझो बहुत जोर हवाई, तो क्या होगा, जितना लंबा है पतला है उतना टूटने के चांसेस ज्यादा है. तो इसलिए उन सेल्स को है होना चाहिए कि वो स्ट्रांग हो, इलास्टिक हो. अगर इलास्टिक नहीं है तो एकदम रप्चर हो जाएंगे. तो स्ट्रांग हो, इलास्टिक हो, एंड उनमें लिग्निन की डिपोजिशन हो सेकेंडरी वॉल्स में. ठीक है, एंड वो एबल हो ताकि वो लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस तक वाटर कैरी कर सके. समझ में आ रहा है? तो अब ये सब होना है, सब परफॉर्म करना है फंक्शन जाइलम को, तो वहां पे आप क्या देखोगे, अब ये परमानेंट सेल बन गया, तो अब इसके पास अभी मेरिस्टमैटिक की एक्टिविटी नहीं है. ठीक है, तो ये है बेटा डिफरेंशिएशन. ठीक है, देखो मेरिस्टम से क्या बना, रूट सेल बना, लीफ बना. ठीक है, यहाँ पे फ्लोएम का सेल, सीव सेल बना. ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड. अब अंडर सर्टेन कंडीशंस, मैंने बोला ना, जैसे आपने कोई डाली काट दी प्लांट की, अब वहां पे जरूरी होता है कि परमानेंट सेल को मेरिस्टमैटिक बने. अदर केसेस होता है बेटा जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है. अंडर सर्टेन कंडीशंस लीविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन. जिन्होंने कैपेसिटी को लूज की थी डिवाइड करने की, परमानेंट सेल बन गए थे, अब वो वापस से बनेंगे मेरिस्टमैटिक. दैट प्रोसेस वुड बी कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन. ठीक है, बेस्ट एग्जांपल आप क्या याद रखो बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ.
ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम हुआ था। मैंने बताया था ना आपको वैस्कुलर केम्बियम एंड कॉर्क केम्बियम। बेटा वैस्कुलर केम्बियम को इंटरफेसिकुलर केम्बियम भी कहते हैं, आई होप यू रिमेम्बर ऑल दैट। ठीक है, तो जो वैस्कुलर बंडल्स के अंदर होता है उसको कहते हैं इंट्राफेसिकुलर केम्बियम, जो दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में होता है उसको हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर केम्बियम। ठीक है, अब ये केम्बियम क्या करेगा, इट हैज रिगेन द एबिलिटी टू डिवाइड, इट विल डिवाइड द सेल्स बोथ आउटवर्ड्स एंड इनवर्ड्स। ओके, जो बाहर के सेल्स होंगे वो फ्लोएम बनेंगे, जो अंदर के सेल्स हैं वो जाइलम बनते हैं। आप लोगों ने पढ़ के आए हैं ये सब, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखो। तो कैसे बने, तो केम्बियम सेल्स, यहाँ पे कॉर्क केम्बियम हो गया, वैस्कुलर केम्बियम होगा, ये कैसे बना, ये बना बेटा फ्रॉम द डिफरेंशिएटेड ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होके केम्बियम बने थे, तो अब क्या हो गया, ये केम्बियम अगेन से उन्होंने अपनी मेरिस्टमैटिक एबिलिटी को वापस से रिटेन किया। ठीक है, ये आप याद रखो, डी डिफरेंशिएशन। नाउ डी डिफरेंशिएशन सॉरी डी डिफरेंशिएटेड सेल्स कैन प्रोड्यूस सेल्स दैट अगेन लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड। मतलब जो अभी कॉर्क केम्बियम बना है या वैस्कुलर केम्बियम बना है, उनके पास एबिलिटी है डिवाइड करने की, वो डिवाइड करेंगे, नए नए सेल्स देंगे। अब जो नए सेल्स बने हैं उनमें बेटा फिर मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी नहीं होगी, वो क्या करेंगे, वो परफॉर्म करेंगे स्पेसिफिक फंक्शन, जिसे सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, दे हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। ओके, यू नो दैट। तो जाइलम एंड फ्लोएम में तो डिवाइडिंग एबिलिटी नहीं है, राइट? तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि दे हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, इसको हमने कह दिया री डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्लियर? ये तीन आपको समझ में आ गए? गिव मी अ थम्स अप इफ यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड दिस। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को जो आधा कंप्लीट किया है ना, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है? गिव मी अ थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड, से क्लियर। अगर क्लियर है तो क्लियर बोलो, थम्स अप दो, वरना मुझे कैसे पता चला आपको समझ में आया है या नहीं। यूजुअली यहां से इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए इनका डेफिनेशन। यस, आदित्य मकवाना एंड जेनवी मेदक, आपने बेटा अपना हैंड रेज किया है, यू हैव रेज्ड योर हैंड। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क, अदरवाइज यू नो पुट डाउन योर हैंड्स उस बटन को बेटा। हाँ, वेरी गुड, जेनवी मेदक समझ गए। आदित्य बेटा प्लीज रिमूव द मार्क ऑफ रेज्ड हैंड। ठीक है, चलो, तो अब हमने क्या देखा, प्लांट ग्रोथ इज ओपन। मैंने आपको ओपन वर्ड का मतलब समझाया था, मतलब क्या, प्लांट में ग्रोथ हमेशा होती है, जब तक वो प्लांट मर नहीं जाता। जब तक प्लांट मर नहीं जाता, प्लांट में आप ग्रोथ देखोगे। ओके, तो जरूरी नहीं है कि आप प्लांट के हर पार्ट में ग्रोथ देखो। ओके, दैट माइट बी लोकलाइज्ड, प्लांट में ग्रोथ लोकलाइज्ड हो सकती है एंड इट इज इनडिटर्मिनेट। ये सब चीजें मैंने आपको प्लांट ग्रोथ जब पढ़ाया था तो तब बताया था। ठीक है, सो इट कैन बी इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट, यूजुअली इनडिटर्मिनेट होता है। डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो ओपन बिकॉज सेल्स एंड टिश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मेरिस्टम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एट मेच्योरिटी। ठीक है, देन फाइनल स्ट्रक्चर एट मेच्योरिटी ऑफ सेल एंड टिश्यू इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ द सेल। देखा, ये भी मैंने आपको बोला था, जो परमानेंट सेल बन रहा है वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी लोकेशन में है। ओके, मैंने आपको बोला था ना, अगर पैरेन्काइमा सेल पित्त में है तो ज्यादा काम नहीं रहता, अगर मीसोफिल सेल के अंदर, ओके, स्पॉन्जी सेल के रूप में है या फिर पैलिसेड पैरेन्काइमा के रूप में है, तो वहां पे उस पैरेन्काइमा सेल को बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा। तो किस लोकेशन में है, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पे मेरिस्टम जो है वो उस टाइप का परमानेंट सेल को कन्वर्ट होता है। ठीक है, सेल्स पोजिशन अवे फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टम डिफरेंशिएटेड एज रूट कैप्सल्स व्हाइल दोज पुश्ड एट पेरिफेरी मेच्योर एज एपिडर्मिस। ठीक है, तो ये आपको पता है बेटा, मैंने आपको समझाया था फेजेस में। ओके, सो फेजेस ऑफ ग्रोथ में क्या होता है, तो जो एकदम से टिप होता है ना रूट का,
तो उस टिप में आप देखोगे कि वहां पे मेरिस्टमैटिक ग्रोथ होती है। फिर थोड़ा आप दूर जाते हो तो आपको एलोंगेशन दिखता है, थोड़ा और दूर जाते हो तो आपको मेच्यूरेशन दिखता है, ठीक है। तो सारे जो एपिकल मेरिस्टम सेल्स है ना, वो डिफ्रेंशिएट करके रूट कैप सेल्स बनाएंगे, ठीक है। रूट कैप सेल्स दे प्रोवाइड यू नो प्रोटेक्शन फॉर द रूट अपेसिस, जो रूट का अपेक्स होता है या फिर अपाइसिस होता है, उसका प्रोटेक्शन देता है रूट कैप सेल्स, ठीक है। एंड वाइल दोज पुश टू द पेरीफेरी, और जो साइड्स में गए हैं, ओके, जो भी वो रूट एपिकल मेरिस्टमैटिक थे, वो जो साइड्स में पुश हुए हैं, वो क्या बनेंगे? एपिडर्मिस बनेंगे। एपिडर्मिस इज व्हाट? दैट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट, ठीक है। देन कमिंग टू प्लांट डेवलपमेंट, बेटा प्लांट डेवलपमेंट में इतना कुछ बताने को नहीं है, बट ठीक है, इसको अब खत्म कर देंगे हम लोग। इट इज द प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ऑल चेंजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो प्लांट डेवलपमेंट में क्या होता है? सारे चेंजेस इंक्लूड होते हैं इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू सेनेसेंस। जैसे मैंने बताया ना, सीड जर्मिनेट होगा तो वहां पे क्या होगा? प्लिम्यूल एंड रेडिकल बनता है। प्लिम्यूल एंड रेडिकल से कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा आता है, ठीक है। फिर वहां से आप देखोगे कि वो कंटिन्यू होता जाएगा, ओके। कोलियोप्टाइल बनेगा शूट सिस्टम, कोलियोराइजा बनेगा रूट सिस्टम, तो वहां से पूरा प्लांट फॉर्मेशन होता है। तो प्लांट जब सीड जर्मिनेट हुआ है, तो फर्स्ट वो जाएगा जुवेनाइल स्टेज। मैंने आपको बताया था, याद है बेटा? जुवेनाइल स्टेज इज आल्सो कॉल्ड एज वेजिटेटिव फेज। मतलब वहां पे आप फ्लावरिंग नहीं देखोगे, वहां पे आप फ्रूट फॉर्मेशन नहीं देखोगे, वहां पे सिर्फ प्लांट का ग्रोथ होता है, ठीक है। दैट इज जुवेनाइल स्टेज। तो जुवेनाइल के बाद प्लांट बिकम्स द यू नो रिप्रोडक्टिव, वो रिप्रोडक्टिव बनता है एडल्ट स्टेज, उसको हम कहते हैं। वहां पे सब चीजें बनना शुरू होती हैं, जैसे फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। जब फ्लावर होगा तो तब क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट क्या करेगा? वहां पे एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं। फिर एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाने के बाद हमको फिर उसमें से आप देखोगे, जब एम्ब्रियोजेनेसिस होते जाता है तो वो होता है फ्रूट के अंदर। तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा जो वोव्यूल है वो सीड बनता है, और जो वोवरी है वो फ्रूट बनता है। तो अब फ्रूट मिला हमको, ठीक है, तो उस फ्रूट के अंदर सीड है। तो आप क्या करोगे? हमारे जैसे लोग हैं तो हम क्या करेंगे? फ्रूट को खाएंगे, सीड को कहीं फेंकेंगे। तो जहां कहीं पे भी सीड को हम फेंकेंगे, वो अगर मिट्टी में गया, फिर से वो प्लांटलेट बना, तो रिप्रोडक्शन हो गया, है ना। अगर हमने नहीं भी खाए तो भी प्लांट क्या करता है? कुछ टाइम तक फ्रूट रहता है प्लांट में, अगेन वो टूट के नीचे गिर जाता है। प्लांट से जो डिटैच हुआ फ्रूट है वो फिर डिकम्पोज होता है, फ्लैश को डिकम्पोज करता है, एंड जो सीड है वो जर्मिनेट होता है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन का उनका स्टेज कंटिन्यू होते जाता है। एंड आफ्टर मेनी ईयर्स, अगर पेरेनियल प्लांट है तो आफ्टर मेनी ईयर्स वो बूढ़ा होते जाता है, एंड इट अटेन्स द स्टेज ऑफ सेनेसेंस। सेनेसेंस मतलब बूढ़ा होना, ठीक है। तो वो आपको समझ में आ गया। देन उसके अलावा आपको क्या देखना है? इट इज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। हाँ, आप ऐसे भी कह सकते हो कि प्लांट डेवलपमेंट में ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन का आप सम करोगे तो भी आपको डेवलपमेंट मिलेगा, ओके। तो आप ये रिप्रेजेंटेशन देखो बेटा, आप ये रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी याद रख सकते हो चीजों को, ठीक है। सो यू कैन रिमेम्बर दैट हाउ ऑल्सो। पहले तो मेरिस्टमैटिक सेल हम सबको पता है, ठीक है, मेरिस्टमैटिक सेल्स तो होना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ग्रोथ होगा, मेरिस्टमैटिक से डिफरेंशिएट हो रहे हैं, ठीक है। सो डिफरेंशिएट बन के यहाँ पे बनेंगे परमानेंट सेल्स, ओके। यहाँ पे बनेंगे परमानेंट, मैं यहाँ पे आपको लिखती हूँ, ये बनेंगे परमानेंट सेल्स, या फिर मेच्योर सेल भी आप कह सकते हो, ठीक है। मेरिस्टमैटिक सेल से वो प्लास्मैटिक ग्रोथ भी दिखा सकता है, डिफरेंशिएशन दिखा सकता है, एक्सपेंशन दिखाएगा, जिसको एलोंगेशन भी कहते हैं, मेच्योरेशन दिखाएगा। तो अल्टीमेटली हमको क्या मिला? हमको मिला मेच्योर सेल, ठीक है। अब ये मेच्योर सेल क्या करेगा? इसका पर्टिकुलर फंक्शन होगा परफॉर्म करने के लिए, वो परफॉर्म करेगा। उसके बाद ये अटेन करेगा बुढ़ापे का स्टेज, दैट इज सेनेसेंस। सेनेसेंस होने के बाद मर जाएगा, ठीक है, मर जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है मेरिस्टमैटिक सेल्स, ओके। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हो ना, ये मेच्यूरेशन ग्रोथ तक, मेरिस्टमैटिक से मेच्योर सेल, ये क्या हो सकता है? ये वापस भी हो सकता है, ओके। यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो दिखा रहा है ना सेल डिवीजन, ओके, इस सेल डिवीजन के थ्रू फिर से मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया ना बेटा अर्थमैटिक ग्रोथ, तो अर्थमैटिक ग्रोथ में क्या हो रहा था?
एक परमानेंट सेल बन रहा था। अब देखो ये समझ लो बेटा, ये एक मेरिस्टमैटिक सेल है, ठीक है, इसने दो सेल्स बनाए, एक सेल बना यहाँ पे परमानेंट सेल। अब दूसरा जो मेरिस्टमैटिक सेल है वो क्या करेगा, अगेन सेल डिवीजन करके मेरिस्टमैटिक बनाएगा। समझ में आ रहा है, याद है आपको अर्थमैटिक, बिटवीन टू डॉटर सेल्स वन डॉटर सेल विल बिकम परमानेंट, अनदर डॉटर सेल विल यू नो रिटेन द एबिलिटी ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी। तो वही दिखा रहा है यहाँ पे। तो जब भी मैंने आपको बताया परमानेंट सेल से वो मेच्योर सेल होता है तो वहां पे फेजेस होगा, फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ होते हैं। तो कौन से फेजेस हैं, मैंने आपको समझाया था मेरिस्टमैटिक फेज होगा, फिर एलोंगेशन मेच्यूरेशन वो होता है, तो उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। तो ये इन सारे वर्ड्स को आप मिला के मेरिस्टमैटिक ग्रोथ से मेच्योर सेल बोल सकते हो, ठीक है। तो दैट्स ऑल बेटा, इतना याद रखना है। नाउ कमिंग टू लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट यू नो अंडरस्टैंडिंग करना है यहाँ पे हमको, प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ। बेटा जो प्लांट होता है ना वो बेस्ड ऑन एनवायरमेंट वो रेस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो कैसा रेस्पॉन्स करता है मैम एनवायरमेंट को, बेटा डिपेंड करता है, डिपेंड करता है वो कैसी स्टेज में है, किस टाइप का प्लांट है, ठीक है, वो सब डिपेंड करता है। तो अल्टीमेटली प्लांट विल रेस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट, ठीक है। तो प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे का मतलब यही है कि रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट। तो इसको हम बेटा एक पर्टिकुलर वर्ड दिया है हमारे बॉटनी ने, इसको किया है कहा है बेटा प्लास्टिसिटी। तो व्हाट इज प्लास्टिसिटी, वेयर प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रेस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, द एबिलिटी इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो क्या है ये, रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट है, आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। तो आप समझ लो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ना प्लास्टिसिटी का, दैट इज हेटेरोफिली। ओके, फिली मीन्स लीफ, आपने पढ़ा होगा बेटा। ओके, सो फिलोटैक्सी इन द चैप्टर ऑफ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आपने पढ़ा होगा फिलोटैक्सी। ओके, फिलो रिप्रेजेंट्स टू लीफ, टैक्सी मीन्स ओके अरेंजमेटिक अरेंजमेंट, ओके जो अरेंजमेंट होता है उसको कहते हैं। तो यहाँ पे देख लो, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, फिली मीन्स लीफ, तो डिफरेंट लीव्स होता है। तो प्लास्टिसिटी में आप दो टाइप के लीफ देख सकते हो, एक होता है ड्यू टू डेवलपमेंट, यहाँ पे लिखा है ना ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ, तो डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, अब एक प्लांट है ये जब पैदा हुआ था तो इसका लीफ ऐसे था, अब आफ्टर सम टाइम ओके डेवलप जब ये करता गया तो ये लीफ कैसा कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया समझ लो कुछ ऐसे। इसको हम कहते हैं हेटेरोफिली ड्यू टू द डेवलपमेंट या फिर फेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है, ये एक टाइप का है हेटेरोफिली। दूसरा हेटेरोफिली आप देख सकते हो ड्यू टू एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट क्या हो सकता है, जैसे एक लीफ है वो लैंड में है तो ऐसा है, ओके लीफ लैंड में है तो ये ऐसा है। अगर यही प्लांट का लीफ अगर अक्वाटिक होगा तो वहां पे कैसा होगा, वो दिखाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। सो दिस इज हेटेरोफिली, सो दिस इज अक्वाटिक प्लांट। तो आप देख सकते हो प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट, उसको हमने कह दिया प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल दिया है हेटेरोफिली, हेटेरोफिली एनवायरमेंट के रिस्पॉन्ड में भी हो सकता है, दूसरा हो सकता है डेवलपमेंट में, जो डेवलपमेंट में होगा जब पैदा होगा तो ऐसा दिखता है, ठीक है, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं बेटा, कॉटन प्लांट, कोरियंडर प्लांट, ठीक है, उसमें आप देख सकते हो जब धनिया बनता है ना, उगता है ना, तो लीव्स ऐसे होते हैं, फिर वो बाद में ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज डेवलपमेंट, ये एनवायरमेंट का होता है, ठीक है। तो डिफरेंस इन शेप्स ऑफ लीव्स दैट इज प्रोड्यूस्ड इन वाटर और एयर, ठीक है। चलो तो ये फिर प्लांट डेवलपमेंट के मैंने बताया था ना कि कौन से कंडीशंस हैं जहां पे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, तो इंट्रिंसिक फैक्टर एंड देन एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ये समझा लिया मैंने एक्चुअली आपको, पढ़ा दिया है मैंने आपको ये, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर जो है वो हमेशा जेनेटिक होता है, कि प्लांट्स का कैसा जेनेटिक मेकअप है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये भी हमने पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया और ये भी हमने आज के स्लाइड्स में कर लिया है। सो दैट्स ऑल, कुछ क्वेश्चंस हैं हम लोग करके आगे बढ़ते हैं। द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू फॉलो डिफरेंट पाथवेज एंड प्रोड्यूस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट, द फेजेस ऑफ लाइफ आर टर्म्ड एज, बिना डाउट के बेटा आप बता सकते हो दैट इज प्लास्टिसिटी, ठीक है। द आंसर इज प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी नहीं, यू नो इस प्रोसेस को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है हेटेरोफिली,
ठीक है, तो ये दोनों ही रॉन्ग ऑप्शंस है. सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो बेटा फोटो पीरियडिज्म मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में ही, तो आई होप यू रिमेम्बर दैट. ठीक है, ये क्वेश्चन देखो बेटा, फोटो पीरियडिज्म इज, ओके व्हाट इज फोटो पीरियडिज्म? री रिकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, इफेक्ट ऑफ डे लेंथ ऑन फ्लवरिंग ऑफ द प्लांट, फ्लवरिंग ऑफ द प्लांट ग्रोथ कर्वेचर इन रेस्पॉन्स टू लाइट. कम ऑन आंसर दिस. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, सैटरडे की क्लास में मैंने आपको बताया था, लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स, अगर क्रिटिकल लेंथ, जो क्रिटिकल लेंथ के ऊपर होंगे तो उनको हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स. ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या देख सकते हो बेटा, बी इज द आंसर, इफेक्ट ऑफ डे लेंथ ऑन फ्लवरिंग ऑफ प्लांट. मतलब कब प्लांट फ्लवरिंग होगा उसके बेसिस पे क्वेश्चन है. जैसे ये समझ लो आप यहाँ पे, ठीक है, तो इनका एक क्रिटिकल लेंथ होता है बेटा, ओके, दे वुड हैव अ क्रिटिकल लेंथ, तो उस क्रिटिकल लेंथ के ऊपर हमको डिपेंड करना पड़ता है, शॉर्ट होगा या लॉन्ग डे होगा. ठीक है, चलो, तो आई होप वो सब आपको समझ में आ गया होगा. और जो बच्चे बेटा कंसिस्टेंट नहीं है, आपको क्लास ठीक से समझ नहीं आएगी. जैसे समझो ये क्रिटिकल लेंथ है, ठीक है, अगर क्रिटिकल लेंथ से भी ऊपर गया लाइट, तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स. अगर इस क्रिटिकल लेंथ से भी नीचे तक ही हुआ लेंथ, ओके, जो डे लेंथ होता है उसको हम कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स. ये शॉर्ट डे प्लांट्स, ये लॉन्ग डे प्लांट्स. तो फ्लावरिंग के लिए कुछ प्लांट्स में लॉन्ग डे की जरूरत होता है, मतलब लाइट ज्यादा जरूरत होती है. कुछ प्लांट्स में फ्लावरिंग के लिए शॉर्ट डे की, मतलब कम लाइट की जरूरत होती है. ठीक है, कुछ न्यूट्रल होते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि कब लाइट आए, कितना लाइट आए, तो उनको हम कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स. ठीक है, तो फोटो पीरियडिज्म मीन्स वॉट, दैट इज इफेक्ट ऑफ डे लेंथ ऑन द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट. ओके, तो फ्लावरिंग के लिए जरूरी है. दिस क्वेश्चन, मतलब चैप्टर खत्म हो गया है अब, प्लांट ग्रोथ एंड यू नो डेवलपमेंट. ये लास्ट क्वेश्चन आप बताइए, मैं करते जाऊंगी तो आप बताते जाना. जियाटिन इज साइटोकाइनिन, फ्लोरिजन मीन्स फ्लावरिंग हार्मोन, आईबीए ब्यूटेरिक एसिड, ओके, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड विच इज अ नेचुरल ऑक्सिन, एनएए इज द सिंथेटिक ऑक्सिन. तो ए थ्री, तो बी सी को हटा दो, फ्लोरिजन बी वन, ओके, सो डी इज द आंसर. ओके, डी हमारा आंसर है, आप देख सकते हो यहाँ पे ए थ्री है, बी वन है, सी फोर एंड डी टू. ठीक है, आपको समझ आया बेटा? एनी डाउट्स? इफ यू हैव अंडरस्टूड दैट्स गुड, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी और एल्स यू कैन लीव द क्लास. कुछ डाउट है? अवंती फेलोज करके जो है ना बेटा, जे एन वी बल्लारी के स्टूडेंट्स, बेटा चेंज, आप चेंज कीजिए टू जे एन वी बल्लारी. ओके, तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ भाई, जे एन वी बल्लारी के बच्चे इस दिन की क्लास में आए थे. आप इसे अवंती फेलोज रखोगे ना, तो मैं समझूंगी कोई दूसरा स्टाफ आया है मेरे क्लास में, क्योंकि होता है ऐसे. ठीक है, कई कबार अगर मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए तो दूसरे स्टाफ मेंबर्स भी होते हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता कि कोई स्टाफ मेंबर है या स्टूडेंट है. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच बेटा. हम लोग ऑन थर्सडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर ऑफ एक्सचेंज एंड ब्रीदिंग, सॉरी, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जो मैंने किया था लास्ट क्लास तक, उससे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, दैट्स ऑल. ओके, सी यू, बाय एवरीवन. थैंक यू सो मच.